अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और वीडियो के स्टार्ट में आपको पता चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। किस वजह से मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं जा रही थी जी ईद की शॉपिंग पे सेंटोरस। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को साथ ले चलूँ और दिखाऊँ कि रेट्स क्या हैं और ड्रेसेस कैसे आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर हो रही हूँ जी सफ़ायर की आउटलेट पर, और यहाँ पे मैं इंटर हो के ये देखें जी, बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। देख लें कितने प्यारे, मतलब उस तरह ये फैंसी ड्रेसेस हैं, ये भी टोटली फैंसी है। और मतलब किसी भी ड्रेस की प्राइस जो है वो 10 से कम नहीं थी, 10 से अबव थी लेकिन उससे कम नहीं थी। और ये दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा, फैंसी सा था लेकिन ये भी इतना एक्सपेंसिव था। बहुत प्यारे ये देखें ड्रेसेस हैं। तो ये सफ़ायर की जो न्यू कलेक्शन आई हुई है, बहुत प्यारा ये, मतलब मैंने तो देखा था साइट पे एक मॉडल को पहने हुए, लेकिन रियल में इतना खूबसूरत नहीं था जितना लग रहा था। तो खैर, ये सारी जो है ये सफ़ायर की कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत है। ये वाला ड्रेस स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया, बट ये था 20,000 का और ये कॉटन का ड्रेस था, सिल्क कॉटन थी। और ये इसका दुपट्टा है बहुत हसीन तरीन, लेकिन ये है कि वही बात है कि इतना एक्सपेंसिव आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, वो भी मतलब वो भी कॉटन का। ये फैंसी ड्रेसेस हैं सारे, ये 20 से ज़्यादा की रेंज के हैं। सिर्फ अगर शर्ट मिल रही है तो वो 12,000 की है। तो ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे। ये एक मुझे पर्पल पसंद आया था, ये अनस्टिच में थोड़ा कम था लेकिन स्टिच में बहुत एक्सपेंसिव था। ये मेहरून खूबसूरत तरीन ड्रेस था, शायद के वीडियो में इतना अच्छा ना आ रहा हो लेकिन रियल में बहुत प्यारा था। आजकल ये लेवेंडर कलर बहुत ही चल रहा है, बहुत इन हुआ है, हर आउटलेट पर ये कलर लाजमी पड़ा हुआ था। तो ये सारे जी ये सफ़ायर के अनस्टिच और स्टिच कलेक्शन हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन वही बात है कि अभी तो आगे टाइम नहीं है कि हम अनस्टिच लें। और ये देखें ये भी कितने प्यारे प्यारे हैं, ये ट्राउज़र्स हैं इनके खूबसूरत, और ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये सफ़ायर के हैं। रेंज जो है वो काफ़ी आउट ऑफ रेंज है, बट वही बात है कि लेने वाले ले लेते हैं। तो ये भी बड़े प्यारे हसीन तरीन, देख लें आप कितने प्यारे हैं, कलर्स भी बहुत ही प्यारे हैं सफ़ायर पर, बहुत प्यारे कलर्स आए हुए हैं। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया पहले, वो जो स्टिच है और ये अनस्टिच इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये प्योर शिफॉन पे हैं ये सारे ड्रेसेस। और देखें कलर कंट्रास्ट कितना अच्छा, ये ग्रे बहुत खूबसूरत है, ये रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा था तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। और ये देखें ये प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड की रेंज 7-8 हज़ार से, 2 पीस का मतलब इतने का ही मिल रहा है, इससे कम का नहीं मिल रहा। तो ये मैंने फिर काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पे लगा, इसका गला बहुत प्यारा है। और ये देखें ये जी, अभी मैं आ गई हूँ खाड़ी पे, यहाँ पे ये खाड़ी के सारे ड्रेसेस हैं, इनकी भी रेंज यही है। इनकी तो मतलब अगर 3 पीस है तो वो 7-8 हज़ार है, अगर सिर्फ शर्ट है तो वो 4 से कम की नहीं, अगर एम्ब्रॉयडर्ड है तो। ये देखें ये ब्लैक ड्रेस भी मतलब फैंसी है, ईद पे लोग पहनते भी हैं, तो ये ब्लैक भी बहुत प्यारा था। ये देखें ये बाहर इन्होंने भी लगाया है डिस्प्ले पर, और ये लाइम लाइट है, ये रंगजा पे मैं आई हूँ अभी। रंगजा पे भी बड़े ही खूबसूरत कपड़े हैं, लेकिन वही बात है कि रंगजा बहुत महंगा है। तो ये रंगजा के सही कलरफुल से ड्रेसेस होते हैं। ये जो है एक मैं फैंसी शॉप पे गई थी खुदा बख्श पे, तो ये जो है ये था 24,000 का, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बना रही थी। बड़ा ही प्यारा कलर था ये, आप वलीमे पे पहन सकते हैं, ईद के हिसाब से है, लेकिन मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत वीडियो बना ली, मैंने कहा चलें पहनने वाले ईद पे भी पहन सकते हैं। और ये देखें इसमें और भी काफ़ी ड्रेसेस थे, और ये जो है रंगजा बाहर से दिखाया मैंने, और फिर ये पहले रंगजा की मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, अब ये फिर मैं प्रॉपर अंदर गई हूँ। ये देखें इनके भी मतलब 7-8 हज़ार की रेंज में, सिर्फ शर्ट या सिर्फ ट्राउज़र जो है वो भी 4 हज़ार का, 3 हज़ार का। तो कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारे थे रंगजा पे, और आप ज़रूर जाएं देखें, आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ प्राइजेस बता रही हूँ, कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है। और ये जो है आगे हूँ मैं एथनिक पे, एथनिक में भी बहुत प्यारे, ये प्रिंट बहुत प्यारा था, ये 4,000 का ड्रेस था, 3,990 का, ये प्रिंट बहुत खूबसूरत है, हर कोई ले रहा था। ये वाला भी प्रिंट बहुत प्यारा है, ये भी 3,999 का है, 3,999, और इस पर बड़े प्यारे कपड़े आए हुए हैं एथनिक पे। ये कलर देखें मोस्ट
जो है वो ज़्यादातर शॉप्स पे ये वाला कलर पाया जा रहा है, लेवेंडर। और ये देखें ये प्रिंटेड कितना खूबसूरत है, इसके ऊपर कढ़ाई कितनी प्यारी हुई हुई है। ये फिर मैं फैंसी की तरफ ज़रा आई, मैंने कहा ज़रा फैंसी देख लूँ, तो फैंसी की भी मतलब 24-25 रेंज। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, ऊपर कोई काम शाम उस तरह नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला पिंक तो बहुत ही प्यारा, लड़कियां ले भी रही थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले रही थी, बस वही बात है कि जेब देखनी पड़ती है ना। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत है, कलरफुल सा न्यू कलेक्शन आई हुई इनकी सारी। तो मैंने तो इनसे सेल का पूछा, तो उन्होंने कहा सेल तो लग जाती है 30% इतनी, इन पे भी लगती है। तो मैंने कहा फिर बंदा सेल में जाके कुछ ना कुछ ले ले, क्योंकि अभी तो ये फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये देखें ये सारे ड्रेसेस इनके सॉलिड्स में भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। ये वाला स्पेशली मुझे बहुत खूबसूरत लगा, काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया इधर उधर, लेकिन एंड में फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लिया इतना सर्च करने के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद। और ये इनकी अनस्टिच कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत। ये अनस्टिच जो है वो 7000 से कुछ स्टार्ट हो रही है, कुछ 6000 से। ये वाला कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, फिर स्पेशली इसको मैंने करीब करके वीडियो इसकी बनाई। इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, ये येलो बहुत खूबसूरत है। और अनस्टिच का तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेलर आजकल ले नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास रश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इस लड़की को मैंने इसलिए कैप्चर किया कि इसका डाई मुझे बहुत पसंद आया, तो इंशाल्लाह मैं भी करवाऊँगी। तो अब यहाँ मैं जा रही हूँ मारिया बी के आउटलेट पे, यहाँ पे बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, लेकिन वही बात है कि 28000 जस्ट रुपीज़ 28000 ओनली 25000। तो ये कॉटन सिल्क पे ये फ्रॉक था, फ्लेयर इसकी बहुत प्यारी थी। एक और मैं आपको फ्रॉक दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ये कलर भी ग्रीन में बहुत प्यारा लग रहा था, ये सारा चिकनकारी का काम था, बहुत प्यारा सा। और ये भी फ्रॉक बहुत प्यारा है, ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। और इनकी सारों की जो रेंज है वो 20 से ऊपर की है, 20 और 30 के दरमियान है। और यहाँ पे मैं आपको एक फ्रॉक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, प्रिंटेड सा था लेकिन 28-29 की रेंज में था वो। और यहाँ पे भी ये सारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं, 20 से अबव हैं। ये प्रिंटेड जो है ये 10-12000 का था। और ये देखिए पिंक कितना प्यारा है, ब्लू ये वाला, ये भी बहुत प्यारा था। एक लड़की ले रही थी तो मैंने देखा, फिर मैंने आके यहाँ पे से देखा तो ये 15 से 20 तक का, इससे ज़्यादा का ही था। ये ऑर्गेन्जा लगी हुई है, पर अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो प्राइजेज़ में वन बाय वन नहीं दिखा सकी, काफ़ी शॉप्स पे। हाँ ये आ गया, ये ऑरेंज बहुत प्यारा प्रिंट था, इसके ऊपर आगे गोटे का काम हुआ हुआ था, और इसकी फ्लेयर इतनी ज़्यादा थी, नीचे भी ये सारा गोटा था, और ये दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत था। तो ये 28000 का था। और ये फिर मैंने ट्राउज़र्स की कुछ वीडियो बनाई, कुछ ब्रांड्स में मैं गई, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी कि अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने कुछ कुछ उस तरह, आपको पता है फिर ज़्यादा डिटेलिंग में जाएं तो फिर ज़्यादा, लेकिन ट्राउज़र्स पे कितनी ज़्यादा लेस और उस तरह खूबसूरत लग रही है, देखिए लूप्स लगाए हुए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी बना देती हूँ, ये मारिया बी के ट्राउज़र्स हैं, ये देखें ये सारे, ये ट्यूलप बना हुआ है, खूबसूरत थे बहुत ज़्यादा। ये फिर अनस्टिच कलेक्शन की तरफ में आई हूँ इनकी। और ये वाला भी बहुत प्यारा ड्रेस था मारिया बी का, ये 29000 समझें 30000 का। और कलर कम्बिनेशन और गेंजा ईच एंड एवरीथिंग बहुत खूबसूरत। तो अभी बड़ी अच्छी कलेक्शन आई है सारे ब्रांड्स पे, आप ज़रूर जाएं विज़िट करें। ये बड़ा स्टाइलिश एक ड्रेस था इनका, ये देखें, और खूबसूरत था, मारिया बी का ही है दुपट्टा, इसका बहुत प्यारा है और गेंजा का। और ये भी बड़ा ऑरेंज डिफरेंट सा था, ये साड़ी है इनकी लहंगा, और ये बड़ा प्यारा कलर था। और ये सारे इनके फैंसी ड्रेसेस थे, मैंने कहा चलो फैंसी की तरफ ही चलती हूँ, जो कॉटन के हैं वो माशाल्लाह से 28-29-30 तक के हैं, तो चले फैंसी देखते हैं वो कितने के हैं। तो वो आपको तो पता है, फिर फैंसी जो है वो 70000-80000-40000-50000, तो ये सारे इस रेंज में थे, प्यारे हैं। लेकिन मैंने इसलिए वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें अगर कोई इसी तरह पसंद आ जाता है तो बंदा फिर दूसरी जगह से बनवा लेते। और हाँ, ये साया पे मैं जो इंटर हुई, साया पे प्रिंटेड प्रिंट्स बहुत खूबसूरत थे, अनस्टिच भी बहुत प्यारे हैं। और ये देखिए प्रिंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने कूल कलर्स हैं। और ये अलमायरा पे फिर मैं आई, अलमायरा पे भी बहुत प्यारे प्यारे थे, स्टिच अनस्टिच दोनों।
ये जो है अनस्टिच मैं दिखा रही हूँ आपको, इनकी भी रेंज मतलब 10 से ऊपर ही थी, लेकिन अच्छे ड्रेसेस थे, काफ़ी डिफरेंट प्रिंट्स और डिफरेंट कपड़ा था, कुछ सिल्क का कुछ कॉटन मिक्स उस तरह का। तो ये इनकी अलमायरा की अनस्टिच कलेक्शन है, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस था। और जिन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और ये सारे जो हैं ये इसमें एक बहुत खूबसूरत मुझे फैंसी लगा, ये देखें बड़ा ही प्यारा था ये, मे बी के 14,000 का था। अब एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, बट ये सारे इस तरह के बहुत खूबसूरत लग रहे थे अलमायरा पे। और ये देखें फिर यहाँ पे मैं आई खुस्से वाली शॉप पे, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन से खुस्से लूँ, बट लिया मैंने नहीं क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आया, वो पीछे से पाँव मारने वाले थे। और ये ग्रीन फिर मैंने चेक किया, वो फैंसी में चेक कर रही थी, तो ये देखें बड़े प्यारे प्यारे खुस्से भी हैं। और सनास पे फिर मैं आई, ये देखिए ये कितना प्यारा कलर है, ये भी लेवेंडर ही है। और ये सारे तो 40-50 की रेंज में थे, मैंने उनसे कहा भी इतना एक्सपेंसिव इतना काम तो नहीं हुआ, तो फिर वह हंस रहे थे। तो ये देखिए इनके बड़े प्यारे प्यारे फैंसी ड्रेसेस मौजूद हैं, ये देखें ये कॉटन सिल्क पे सारे बने हुए हैं बड़े प्यारे। और फिर ये जी बस घूम ही रही थी, फिर ये खुसा शॉप के बैक ही में बैठी हुई थी और मज़े ले रही थी। फिर इसके बाद तो ये मैं आई थी जी उस स्टूडियो पे, बातिक स्टूडियो पे, इस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन वही बात है काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बट ये है कि फैंसी ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। एक्चुअली भाई की शादी है तो मैंने कहा चलें उस लिहाज से भी मैं ज़रा देख लूँ कि कहाँ पर मुझे अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे थे बहुत, ये वाला 35,000 का था, बट जैसे निकाह हो किसी का तो उस हिसाब से ये बड़ा अच्छा है। बात एक स्टूडियो पे जा सकते हैं आप, देख सकते हैं, बड़े प्यारे प्यारे थे। और ये वाला भी बहुत प्यारा था, ये देखें। और फिर इसके बाद फिर मैं गई आगा नूर पे मैं 2-3 ही वीडियो बना सकी क्योंकि उन्होंने कहा वीडियो अलाउ नहीं है। तो फिर बस मैं वहाँ से निकल आई, मैंने क्या लिया मैं पहुँच के बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चाट खा रही हूँ, 7 मिनट मार्गरीटा पी रही हूँ। तो ये मेरे हाथ में खाड़ी और एथनिक का पड़ा हुआ है जी। तो फिर मैंने यहाँ से शॉपिंग की, अपने घर पहुँच के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से प्रिंट्स लिए। और एथनिक और खाड़ी से ही मुझे दो पसंद आए, वो एक्चुअली मैं बार बार ट्राई कर रही थी, देख रही थी ट्राई रूम में, तो फिर वो आपको पता है कि माइंड एक तरफ होता है। तो बस फिर मैं घर पहुंच के आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और ये देख लें जी, ये फिर मैंने खाड़ी से लिया, 490 का ये फ्रॉक था सिर, और 1400 का जो है वो ट्राउज़र था। तो ये तकरीबन 6,000 का मुझे ये 2 पीस पड़ गया। और ये फिर मैंने लिया एथनिक से, ये था 4,000 का। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलें आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया। ये देखें जी, अभी मैं विद प्राइस आपको बताती हूँ, देखें 4,660 या 4,440 का इस तरह कुछ समथिंग, 4,500 का फ्रॉक और उस तरह ट्राउज़र फिर अलग 1,400 का। कपड़ा भी बहुत खूबसूरत है, फ्लेयर चेक करें इसकी, बड़ा स्टाइलिश बना हुआ है। आप अगर वैसे कपड़ा लेके दर्जी को दें तो वो फिर मे बी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और ये देखें 1460 इस तरह कुछ का ट्राउज़र है, तो मतलब 6,000 तक मुझे ये पड़ गया है। और ये एथनिक वाला ये ड्रेस का गला बहुत प्यारा बना हुआ था, देखिए मास्क अभी भी मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये 3990 का ये ड्रेस है 2 पीस, ये मैंने वैसे ही लिया, ज़ाहिर आगे गर्मी होगी, यूनिवर्सिटी में काम शाम आता है तो ये उस हिसाब से फिर ये लाइट सा लिया है मैंने, कूल सा कलर आ गया। अभी आपको पता है गर्मी ज़्यादा होने वाली है। इसका जो था ये नीचे ट्राउज़र बेल बॉटम बनी हुई है, ये भी बहुत प्यारा। और तीसरा ये वाला है, ये भी मैंने खाड़ी से लिया है। इसका जो है वो ये 2,500 की शर्ट है, और मेरे ख़्याल से ये भी 14-15 का ये समथिंग ये ट्राउज़र है। तो इसका ट्राउज़र भी बहुत प्यारा है, ये प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, यकीनन पसंद आई होगी। मेरे कपड़े कैसे लगे, शॉपिंग कैसी लगी मेरे साथ सेंटोरस में जाके आपने की, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।